आजादी के अमृत महोत्सव में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड माई एफएम लेकर आए हैं हर घर हेल्दी अभियान, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर साक्षी जी। तो आज वो क्या हेल्थ टिप देने वाली हैं, आइए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी गगनेजा है। मैं मेडिपल्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ। मैं एक हार्मोन और डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ। सो डायबिटीज के मरीजों के लिए मेरे पास एक खास मैसेज है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका डाइट, जो कि 90% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप खाते हैं उसी से आपकी शुगर संबंधित है। तो पहले अपना खाना कंट्रोल रखेंगे तो आधी दवाई आपकी वैसे ही कम हो जाती है। और दूसरा है समय पे दवा लेना। दवा लेना इसलिए जरूरी है, डायबिटीज आपको है, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसलिए है। अगर आप दवा नहीं खाएंगे, भले ही आप थोड़ा बहुत भी जो खाएंगे आपकी शुगर बढ़ जाएगी, तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद नहीं करनी है। तीसरी चीज है एक्सरसाइज। डेली आधा घंटा एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो आपको अच्छा लगे, कूदना, रस्सी कूदना, जैसा भी आप करना चाहें, आधा घंटा डेली करने से भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और जो आपकी बॉडी थोड़ा बहुत भी इंसुलिन बना रही है अच्छा काम करती है। एक और जरूरी बात है, डायबिटीज को रिवर्स करने के आजकल बहुत से माध्यमों पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत से लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। पॉसिबल है, पर उसका माध्यम अपने डॉक्टर के द्वारा ही चुने, क्योंकि आप गलत प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं और आपकी शुगर बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो पहले अपनी डॉक्टर की सलाह मानना जरूरी है। माध्यम बहुत सारे हैं, पर एक माध्यम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डाइट, एक्सरसाइज और अपनी दवा बिना पूछे बंद नहीं करनी है। खुश रहें, स्वस्थ रहें,